वही इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां पे फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के नतीजों पर बोला है, उन्होंने कहा है कि जनता ने अपना फैसला दिखा दिया है, मैं सबका शुक्रगुजार हूं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं जम्मू कश्मीर से, जहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के नतीजों पर अपने जनता को शुक्रिया किया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं जम्मू कश्मीर से, जहां पे फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैं सबका शुक्रगुजार हूं, नतीजे आपके सामने हैं। और उसके साथ ही उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला बनेंगे जम्मू कश्मीर के नए सीएम। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पे जम्मू कश्मीर से फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने उमर अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर के नए सीएम बनने की बात कही है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री होंगे। श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने यह घोषणा की है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव में जीत की ओर बढ़ रही है। फारूक अब्दुल्ला ने यह घोषणा तब की जब यह स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस एनसी गठबंधन 10 वर्षों में जम्मू कश्मीर में पहला विधानसभा चुनाव जीतेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 10 वर्षों के बाद लोगों में हमें अपना जनादेश दिया है, लोगों ने हमें अपना जनादेश दिया। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं जम्मू कश्मीर से, जहाँ पे चुनाव के नतीजों पर फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने जनता को फैसला दिखाने के लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि मैं सबका शुक्रगुजार हूं, नतीजे आपके सामने हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के नए सीएम उमर अब्दुल्ला होंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं जम्मू कश्मीर से। आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री होंगे। श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने यह घोषणा की है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव में जीत की ओर बढ़ रही है। इसी को लेकर फारूक अब्दुल्ला ने एक बड़ी घोषणा की है, जिस जब यह स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस एनसी गठबंधन 10 वर्षों में जम्मू कश्मीर में पहला विधानसभा चुनाव जीतेगी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। लोगों ने अपना फैसला दिखा दिया है, लोगों ने यह साबित कर दिया है कि जो इन्होंने इकदाम 5 अगस्त को किए थे वो लोगों को मंजूर नहीं है। मैंने एक्सपेक्टेशन तो छोड़ दीजिए, काम बहुत करने हैं, मुश्किल दूर करने, यहाँ पे जो बेगारी है उस बेकारी को दूर करना है, बेरोजगारी को दूर करना है, यहाँ पे जो महंगाई है उसकी तरफ देखना है, जो ड्रग मैनेस है जो इस रास्ते पर खा रहा है उस ड्रग मैनेस को खत्म करना है, उसके लिए हमने कायम करने हैं वो सेंटर्स जहाँ पे इनका इलाज हो सकता है। सर, अब आपकी जीत के बाद क्या हम ये माने कि जम्मू कश्मीर के अंदर पॉलिटिकल लैंडस्केप पूरी तरह बदलने वाले? जरूर बदले। आज एक लेफ्टिनेंट गवर्नर और 4 मुशीर नहीं होंगे, आज 90 लोग जो होंगे यहाँ की इसके मुश्किलात को दूर करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, आप कांग्रेस के शुक्रगुजार हैं? आप कांग्रेस के कितने शुक्रगुजार हैं जो अलायंस ने पूरा साथ कांग्रेस ने दे दिया? मैं कहता हूँ मैं सबका शुक्रगुजार हूँ कि लोगों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया और बड़ी आजादी से लिया, और अल्लाह का शुक्र है नतीजे आपके सामने हैं। उमर अब्दुल्ला बनेगा चीफ मिनिस्टर।